गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर डिस्कस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन. कंडक्शन इज द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच दे टेक प्लेस इज सॉलिड टू सॉलिड. इन कंडक्शन प्रोसेस द मोलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल डज नॉट मूव. डज नॉट मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स दे हीट ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ मोलिक्यूल्स. ठीक है, यानी पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़े थे कि जो कंडक्शन प्रोसेस है ये एक हमारा हीट ट्रांसफर करने का मोड है, ट्रांसफर करने का प्रोसेस है. इसमें मोलिक्यूल्स जो होता है किसी भी सब्सटेंस का ये मोशन में नहीं होता है, ये केवल वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफर करता है अगले मोलिक्यूल से अगले मोलिक्यूल में. इस तरह से यह इंड पॉइंट तक हीट को ट्रांसफर करता है. लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन प्रोसेस. कन्वेक्शन प्रोसेस हमारा देयर इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस. यानी इसमें जो है सो सब्सटेंस का एक्चुअल मूवमेंट होता है और इसमें मोशन करता है और तब यह हीट को ट्रांसफ़र करता है. कन्वेक्शन हमारा मेनली फ्लूइड्स के लिए है. मींस फ्लूइड्स में हमारा दोनों सब्सटेंस आते हैं, लिक्विड भी आते हैं या प्लस गैस भी आते हैं. तो लिक्विड और गैस में जिस मीडियम से हीट ट्रांसफ़र होता है उस मीडियम का नाम है कन्वेक्शन. यानी कन्वेक्शन हम लोग कह सकते हैं कन्वेक्शन को हम कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस. देखिए कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ मोलेक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस. इसमें किसी भी सब्सटेंस जो है उसमें हीट ट्रांसफर होता है तो इसमें मोलेक्यूल का मूवमेंट होता है. मीन्स एक जगह का मोलेक्यूल दूसरे जगह जा करके वह हीट को ट्रांसफर करता है. हम लोग ये कह सकते हैं कि कन्वेक्शन इज द प्राइमरी कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स. फ्लूइड्स का मतलब हमारा लिक्विड भी होता है. लिक्विड्स एंड गैसेस होता है. मीन्स हमारा जो कन्वेक्शन प्रोसेस है ये हमारा खास करके फ्लूइड्स के लिए आता है. मीन्स लिक्विड्स के लिए आता है और गैस के लिए आता है, दो के लिए आता है प्राइमरी मोड. इसमें हमारा मोलेक्यूल्स जो होता है सब्सटेंस का वो मूव कर करके हीट को ट्रांसफर करता है. कल जो मैंने आपको बताया था
कंडक्शन में, कि इसमें जो यहाँ का मोलिक्यूल है वो यहाँ का अगर मोलिक्यूल है, अगर मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट, अगर इसको मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट मोलिक्यूल है, यहाँ पे हमने कोई बर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, अगर इसको यहाँ पे अगर हम हीट दे रहे हैं इसको, तो ये वाला पार्ट अगर हमारा गर्म होता है तो यहाँ का मोलिक्यूल यहाँ तक मूव नहीं करके आएगा, ये यहाँ का मूव मोलिक्यूल जो है सो यहाँ मूव कर करके नहीं आ सकता है, ये केवल ये पहले हीट हो जाएगा और ये हीट को या इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये मोलिक्यूल इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये मोलिक्यूल इसको ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे ट्रांसफर ही, मतलब हीट को ट्रांसफ़र करता है मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल्स वाइब्रेशन के माध्यम से, ये वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट कर करके जा करके इसमें कोलाइड करेगा सेकेंड मोलिक्यूल्स में, ई कोलाइड करेगा थर्ड में, ई कोलाइड करेगा फोर्थ में, इस तरह से फोर्थ फिफ्थ में कोलाइड करेगा, फिफ्थ सिक्स्थ में कोलाइड करेगा, इस तरह से कोलिजन के माध्यम से हीट को ट्रांसफ़र अपने लास्ट एंड तक करता है। इसमें पार्टिकल ऐसा नहीं होता है कि यह यहाँ का मोलिक्यूल से यहाँ मूव कर करके आए और इस एरिया को हीट कर दे, गर्म कर दे, तो ये हमारा कंडक्शन का प्रोसेस था, लेकिन हमारा कन्वेक्शन बिल्कुल इसके उल्टा है। वाइपर कर, कन्वेक्शन में हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन में हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए कि पूरी टब हमारी वाटर से भरी हुई है, ये सभी उसके छोटे छोटे मोलिक्यूल्स हैं, दीज आर ऑल मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स, जैसे इसका गुड एग्जांपल है, हम लोग ले सकते हैं अपने घर पे जो हम लोग खाना वगैरह बनाते हुए देखते हैं ना, तो जो हम लोग केतली में जो हम लोग पानी रखते हैं, सपोज कीजिए कि इसको यहाँ से गर्म किया जा रहा है, वार्म अप, इसको गर्म किया जा रहा है, तो जैसे यहाँ से गर्म करेंगे तो ये मोलिक्यूल्स या यहाँ का जो मोलिक्यूल्स है सो मूव कर करके यहाँ आएगा, ये मोलिक्यूल्स मूव कर करके यहाँ आएगा और इस एरिया को, यानी सबसे पहले अगर हम लोग हीट यहाँ देते हैं तो एरिया पहले गर्म होगा, ये एरिया जो है सो हमारा पहले गर्म होगा, और जैसे यहाँ एरिया यह गर्म हो जाता है तो यहाँ का मोलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेगा कंडक्शन की तरह, यहाँ का मोलिक्यूल सीधा मोशन करना शुरू करेगा, इसमें मूवमेंट होगा और मूवमेंट कर करके धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और यहाँ आएगा, यानी जहाँ पे लिक्विड का हमारा लेयर समाप्त हो रहा होगा वहाँ आएगा, इस एरिया को गर्म कर देगा। जब ये मोलिक्यूल से यहाँ से खिसक जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो नीचे ऊपर वाला मोलिक्यूल नीचे आ जाएगा, तो फिर ये भी गर्म हो जाएगा, और ये गर्म हो जाएगा तो फिर गर्म होकर के ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से सारे मोलिक्यूल्स मोशन करना शुरू करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होना शुरू होते हैं, और इस तरह से इस एरिया को पहले गर्म करेंगे और फिर ये जब गर्म रहेंगे फिर दूसरे एरिया में जाएंगे, फिर उस एरिया को भी गर्म कर देंगे, फिर उसी तरह से ये मोलिक्यूल गर्म होगा पहले फर्स्ट में, क्योंकि ये हमारा वार्म अप बॉडी के कॉन्टेक्ट में है, और जैसे ये हीट हो जाएगा तो जैसे ये भी हमारा मोशन करना शुरू करेगा ऊपर चला जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा तो ये उस एरिया को गर्म कर देगा जहाँ पे पहले से हमारा कोल्ड है, इस तरह से पूरी ये जो हमारा टब का वाटर है ये पूरी गर्म हो जाएगी, जो सिंपली सी बात है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं अपने घर पर भी, घर पर जाइए और ग्लास में एक ग्लास पानी लीजिए या केतली में पानी लीजिए, उसको गैस स्टोव जलाइए, उस पर रख दीजिए, कुछ देर देखिए, फर्स्ट में उस पानी को देखते रहिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए कि फर्स्ट में नीचे से आप जो उसमें लौ देंगे, नीचे से जो लौ उसमें जो दिया जाएगा, तो पहले धीरे धीरे इस केतली के पेंदी में जो है सो छोटा छोटा सा बबल्स बनेगा, छोटा छोटा क्या बनेगा, बबल्स बनेगा, और कुछ देर के बाद में आप देखेंगे क्या कि ये बबल्स धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू कर दिया है,
और ये नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर वाले एरिया को गर्म कर देगा। जैसे नीचे से ऊपर आएगा तो इसके ऊपर वाला मोलिक्यूल्स जो है सो नीचे चला जाएगा, फिर ये भी गर्म हो जाएगा। कुछ देर के बाद में फाइनली अगर हम देखेंगे क्या कि ये पानी कंटिन्यू मोशन में हो जाएगा, यानी नीचे का पानी ऊपर और ऊपर का पानी ये खौलना शुरू कर देगा। जिससे हम लोग देखते हैं दूध कैसे खौलता है, या चावल बनता है वो भी खौलता है, दाल बनता है वो भी खौलता है, केवल पानी को रख दे वो भी खौलना शुरू करता है। मीन्स नीचे का मोलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और ऊपर का मोलिक्यूल्स नीचे की तरफ आना शुरू करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हमारा एयर में भी इसी तरह होता है, एयर में भी हमारा मोलिक्यूल्स, जैसे एयर में हम लोग रूम हीटर को देखिए, रूम हीटर को हम लोग विंटर सीजन में यूज करते हैं, रूम के किसी एक कॉर्नर पर हम लोग उसको रखते हैं, रूम के किसी एक कॉर्नर पे रखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं कि पूरे रूम हमारा गर्म होता है इन विंटर सीजन। टेक एग्जांपल्स ऑफ रूम हीटर कैप्ट इन ए कॉर्नर ऑफ एनी रूम, आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व द ऑल स्पेस ऑफ रूम आर हीटेड अप। यानी हम लोग उस हीटर को एक कॉर्नर पे रखे, लेकिन कुछ देर के बाद में हम लोग देखते हैं कि पूरा रूम हमारा गर्म हो गया। वो कैसे हो गया, जिस कॉर्नर पे हम लोग उसको रखते हैं वहाँ का एयर पहले जो होता है पहले वह वार्म अप कर देता है, वो गर्म हो जाता है, और फिर वहाँ का एयर का मोलिक्यूल्स पूरे रूम में धीरे धीरे फैलना शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे रूम को वह गर्म कर देता है। जैसे हम लोग एयर एंगस्टर फैंस देखते हैं कि हम लोग किचन में लगाते हैं, टॉयलेट वगैरह में लगाया जाता है, क्योंकि गर्म एयर जो है सुबह नीचे से ऊपर की तरफ राइज अप करता है और उसे को इस तरह से वह बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है, उसको आउट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कन्वेक्शन जो है सो हमारा हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसमें मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, और यह लिक्विड और गैस के लिए भी होता है। इसका एग्जांपल्स हम लोग एक सी ब्रिज होता है, लैंड ब्रिज होता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हम लोग इसे कह सकते हैं जैसे फायर, जैसे एयर इंगेस्टिंग फैंस है और रूम हीटर है, इतनी सी बहुत सारे एग्जांपल है। गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि एयर फास्ट चलना इसके कारण, क्योंकि एयर एक जगह का जो एरिया हमारा ज़्यादा हीट होता है वहाँ का एयर लाइटर हो जाता है और मूव कर करके दूसरे जगह जाता है और फिर उस एरिया को भी वह हीटेड अप कर देता है। इस तरह से एयर कंटिन्यू मूविंग करना शुरू कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाई एक्चुअल मूवमेंट्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इसका एग्जांपल है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।